नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 16 जनवरी 2019 और कल के लिए थ्री स्टार सेक्शन में मैंने 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। उसे किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, यानी 17 जनवरी के लिए, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। आपको मेरे इस चैनल पर डेली लाइव ट्रेड की वीडियोस, स्विंग ट्रेड की वीडियोस, स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू और बेहतरीन इंडिकेटर की जानकारी प्लस पोजिशनल स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग और बेहतरीन इंट्राडे स्ट्रेटेजी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को पाने, देखने, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बेल का आइकन दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिसे कल हम लोग 17 जनवरी 2019 को यानी कि गुरुवार को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। उन तीनों स्टॉक में दोस्तों ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि यहाँ मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती है। सिर्फ अपना रिसर्च एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूँ, इसलिए इसमें आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। मैं सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ, आपको ट्रेड करना है नहीं करना आप अपने आप डिसीजन खुद लें और अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। चलिए देखते हैं वो दोस्तों पहला स्टॉक कौन सा है। सबसे पहला स्टॉक है एबुल हाउसिंग फाइनेंस का। देखिए आज भी मैंने एबुल हाउसिंग फाइनेंस को दिया था और इसने अच्छा प्रॉफिट कमा के आप लोगों को दिया, और कल के लिए भी मैंने एबुल हाउसिंग फाइनेंस को सेलेक्ट किया है। 15 मिनट का ये चार्ट है एबुल हाउसिंग फाइनेंस का। आप देख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पे एक जो इसने 15 मिनट का हाई बनाया उसी के ऊपर अपर रेंज में ये पूरे दिन भर अपने आप को पैक करके रखा, यानी कंसोलिडेशन फेज में रहा एबुल हाउसिंग फाइनेंस। इस वजह से एबुल हाउसिंग फाइनेंस को मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि इसने रेक्टेंगल पैटर्न बना लिया। तो दोस्तों जब एबुल हाउसिंग फाइनेंस 839 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 839 के ऊपर बाय करना 839 के ऊपर। टारगेट पहला होगा दोस्तों 845 का यानी 845 का, दूसरा टारगेट होगा दोस्तों हमारे 851 का यानी 851 का, और तीसरा टारगेट होगा 857 का यानी 857 रुपए का। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में लगाएंगे 833 का यानी 833 का। अगर एबुल हाउसिंग फाइनेंस इस रेक्टेंगल के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 825 यानी 825 के नीचे सेल करना है। और इसका पहला टारगेट होगा 819 रुपए का 819 का, दूसरा टारगेट होगा 813 का यानी 813 का, और तीसरा टारगेट होगा 807 का यानी 807 का। स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों इस कंडीशन में 831 रुपया का यानी 831 का। और दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं हर वीडियो में कहता हूं 5 मिनट की वॉलेटिलिटी को खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर स्टॉक हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल के पास आता है तो ही ट्रेड करें, वरना अवॉइड कर दें। और ये सारे लेवल मेरे कैश के लेवल है, फ्यूचर के नहीं है, ये सारे मेरे कैश के लेवल है। कैश में अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो फ्यूचर में जो भी प्राइस चलता रहेगा वहां पे बाइंग और सेलिंग की एंट्री हो जाएगी, पर ये मेरे लेवल सारे कैश के हैं, इस बात को याद रखना है। दोस्तों मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच 2 फरवरी 2019 से शुरू होने जा रहा है और इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2019। अगर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको 25 जनवरी 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप उसके पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं 25 जनवरी से पहले तो आपको ट्रेनिंग फी में डिस्काउंट मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है कॉल का, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ 8709652195, और व्हाट्सएप का भी नंबर यही नंबर है 8709652195। तो याद रखिएगा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच जो मैं बेसिकली इंट्राडे के लिए चलाता हूँ, उसका नया बैच 2 फरवरी 2019 से शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 25 जनवरी 2019। तो जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है वो मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहां पे सारी जानकारी दे दी जाएगी। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों लूपिन का। देखिए लूपिन का ये डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस ले रहा था उसको आज इसने ब्रेकआउट दिया है लूपिन ने। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लूपिन ने बिल्कुल आज को डेली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। इस वजह से लूपिन में कल अगर अपने हाई के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है लूपिन में, इसकी वजह से मैंने इसे सेलेक्ट किया है। तो लूपिन को दोस्तों जब 870 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 870, और इस कंडीशन में दोस्तों इसका पहला टारगेट हमारा होगा
876 का यानी 876 का, दूसरा टारगेट होगा 8882 का यानी 882 का, तीसरा टारगेट होगा 888 का यानी 888 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों इस कंडीशन में 864 यानी 864 का। अगर लुपिन 855 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो सेल करेंगे, सेल बिलो 855, और इस कंडीशन में इसका पहला टारगेट होगा दोस्तों 849 का फर्स्ट टारगेट यानी 849 का, सेकंड टारगेट होगा 843 का यानी 843 रुपए का, और थर्ड टारगेट होगा 837 का यानी 837 रुपए का। स्टॉप लॉस दोस्तों लगाएंगे इस कंडीशन में 861 का यानी 861 रुपए का। यह है मेरा दूसरा स्टॉक। और दोस्तों अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आ जाता है तो आप अपना 50 से 70% क्वांटिटी को जरूर बुक कीजिए और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज कीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। और इस मार्केट में मैं फिर से एक बात रिमाइंड करा दूं आप लोगों को, हालांकि यहाँ के देखने के बाद तो अब जरूरत नहीं है बात सुनने की आगे, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि अगर इस मार्केट में आप लोग ये चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, मैंने कल भी ये बात बोला था, पता नहीं कितने लोगों ने सुना, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, अगर आप लोग ऐसी सोचते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, तो ये मार्केट बिल्कुल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई धंधा नहीं होता है जिसमें लॉस नहीं होता है, तो इस बात को हमेशा याद रखें। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो फिर आपको सिर्फ प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो, तो कृपया कर आप मेरे इस चैनल को अवॉइड कर दीजिए। आप धंधा चालू रखिए अपना मार्केट का शेयर ट्रेडिंग की, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे इस चैनल को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ऐसी कोई भी चीज नहीं रहती है, और ना ही मैं बोलता हूँ कि कभी आपका स्टॉप लॉस हिट ना होगा। बिल्कुल हो सकता है, सारे के सारे हो सकते हैं, एक दिन में सारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मेरा मार्केट को मैं नहीं चलाता ना, ना मार्केट को आप चलाते हैं, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट को पूरा वर्ल्ड वाइड सारी चीजें इफेक्ट करती है। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो कम से कम मेरा चैनल आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग मेरे चैनल को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है दोस्तों, लूप। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने तीन तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहां पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सएप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। हमारा तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी का, ठीक है। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी का ये आवर्ली का चार्ट, सॉरी 15 मिनट का चार्ट है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये अपने इसी रेजिस्टेंस लाइन का, जो कि 220 रुपए का रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है, उसको बार बार 220 221 को टेस्ट कर रहा है, और अब फाइनली अपर साइड में जाके इसने क्लोजिंग दिया है पेट्रोनेट एलएनजी ने 220 के पास में, इस वजह से मैंने पेट्रोनेट को सेलेक्ट किया है। तो पेट्रोनेट दोस्तों जब 222 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 222 यानी 222 के ऊपर बाय करना है। इस कंडीशन में इसका पहला टारगेट होगा 225 का यानी 225 का, दूसरा टारगेट होगा 228 का यानी 228 का, और तीसरा टारगेट होगा 231 का यानी 231 रुपए का, और स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में 219 का यानी 219 का। अगर पेट्रोनेट 216 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 216, और इस कंडीशन में इसका पहला टारगेट होगा 213 रुपए का 213 का, दूसरा टारगेट होगा 210 का 210 का, और तीसरा टारगेट होगा 207 का यानी 207 रुपए का। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में लगाएंगे दोस्तों 219 का यानी 219 रुपए का। तो दोस्तों ये था मेरा थ्री स्टार सेक्शन में तीन वीडियो, जिसे कल हम लोग 17 जनवरी 2019 को गुरुवार को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।